नई वीडियो पे आपका स्वागत है। लाइक कर देना, शेयर करना ना भूले। नई वीडियो आपको जबरदस्त वीडियो बताएंगे, आपको नई नई टेक्निक बताएंगे। ये होल हो रहे हैं टायर के, टायर को बोल्ट कसेंगे और बताएंगे आपको कैसा टायर सही रहता है, फटा हुआ टायर है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। पूरी वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो देखें। लाइक करें यार भाई, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना यार भाई, कर देना। ड्रिंक मशीन से हम होल कर रहे हैं, ड्रिंक मशीन से होल हो रहा है, होल हो रहा है। एक होल कंप्लीट हो गया, तीन होल करे, तीसरा होल हो रहा है। टायर फटा हुआ टायर, इसको सही कर रहे हैं, आप देख लेना। वीडियो पूरा देखे तो पूरी मज़ा आएगा, आधी आधी वीडियो छोड़ के जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे पूरी वीडियो देखना तो अच्छी लगेगी वीडियो आपको, और पूरी वीडियो में ऐसी ऐसी देखेंगे चीज़ें तो आप मज़ा आ जाएगा आपको। हम आज के दो पाना लगा के टायर को चौड़ा करके बोल्ट लगा रहे हैं, बोल्ट पट्टे वाले बोल्ट लगा रहे हैं जो टायर स्लिप ना हो, पकड़ कर ले, मजबूत कर ले। ये बोल्ट को ठोक रहे हैं अंदर, ठोक के आपको बताएंगे। उधर ये आ गया, इधर इसके और ऊपर लगाएंगे पट्टे वाले बोल्ट मंगाना, और फिर करना ऐसा जुगाड़ तो अच्छा चलेगा लाइफ टाइम से। पहले हो रहा था वो सही नहीं हो रहा था तो फेल हो गया। ये भाई आके बोला यार सही कर दे यार भाई, ये निकल जाती टूप यहाँ से। तो मैंने बोला भाई मैंने कर दूंगा, टाइम लगेगा आपको, ग्राहक को पहले बोल दो भाई टाइम लगेगा तो काम अच्छा होगा, आप जल्दी करोगे तो काम नहीं होगा अच्छा। अब बोल्ट को टोक रहे हैं दूसरे वाले को भी, ये चौड़ा कर लेना टायर को, दो पेड़ लगा के पाना लगा देना, चौड़ा जाएगा ये टायर। फिर आराम से बोल्ट ठोक देना और बोल्ट को पन्ने से बढ़िया कस देना, हिला डुला ना हो इधर उधर। आप लूज रख दोगे तो टाइट और फूल जाएगा, आप टाइट कर दोगे तो फूलेगा नहीं वो। बोल्ट को देख लेना ऐसे ऐसे बोल्ट लगती है, छोटी है थोड़ी सी टोक रहे हैं। अब बोल्ट आ गया है इधर, अब बोल्ट कसेंगे। ये पट्टे वाले बोल्ट मंगाना, ये ड्रावर था, अरे हम बोल्ट लगा के गेटर मेल रहे हैं, ये गेटर मेल रहे हैं आप देख लो, छोटा वाला गेटर मेल दो, सबसे छोटा वाला, मतलब वो बोल्ट का पिंचर ना बने। वापिस वापिस लंगोट लगा दो टूब की, काट के और इसके लंगोट इसकी थोड़ी सी बड़ी बनाना, वो लगा के रख दो अंदर। ये देखो ये आ गई टूब की, काट लेना, और ये आ गई टूब, पिछली वाली टूब की नल की ख़राब थी उसको भी हटा दिया। मैंने बोला भाई भाई नहीं चलेगी यार, परेशान हो गए आप, इसको आपको दूसरी टूब डाल रहे हैं, ग्राहक को साफ बना कर दो, नहीं होगा काम तो अच्छा नहीं होगा तो भाई मेरे को नहीं बोलने का, इसीलिए हम लंगोट लगा रहे हैं। ये छोटा टायर है जेसीबी का, ये लग रहा है छोटा टायर। ये लंगोट हो रही है फिट, और लंगोट लगाते समय और आपने ट्यूब की आपको बताया था ना, और ट्यूब की लंगोट हो के मनाना, लंगोट से बाहर और ट्यूब की लंगोट निकल जानी चाहिए, उससे पिंचर नहीं होगा। आप लंगोट को उसको अंदर रख दोगे तो पिंचर वो लंगोट ही कर देगी। ये वाल लगा के वहाँ भर रहे हैं हल्की सी हिले नहीं, और बचे हुए उसको काट लेना का अच्छा फिट होगा। ये रबड़ और बच गया उसको काट रहे हैं, काट के बढ़िया फिटिंग करेंगे। और जेसीबी की नल की हमेशा उल्टी होती है सेट, ये पूरा ध्यान रख लेना, हमेशा उल्टी होती है इसकी अगले टायर की, ये ध्यान रख लेना पूरी। ये हम थोड़ा सा कोर नहीं आ रही तो थोड़ी सी मार रहे हैं, थोड़ी सी मार के फिर आ जाएगी वो पूरी।
वो हो गई, आ गई वो तो। और कमेंट में जरूर लिख के भेजना भाई कैसी लगी आपको वीडियो। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल से जुड़ी रहे। ये हो गया, हवा भर रहे हैं इसको, कंप्लीट हो चुका है। अब नापेंगे इसमें कितनी हवा होगी, इसमें हवा होगी 60 पॉइंट। 60 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखने का, ये फटा हुआ इसलिए 60 पॉइंट चल जाएगी इसमें। ये 60 पॉइंट हवा हो रही है। वीडियो आप पूरी देखें तो आपको पूरा मजा आएगा। ये वीडियो हो गई, लाइक कर देना और शेयर कर देना, फॉलो कर लेना चैनल को, पहले से आपको पहली वीडियो आपको मिले। आप चैनल से जुड़े रहोगे तो घंटी का बटन जरूर दबा देना, वीडियो पहले आपके पास आए। और लिख के भेजना पहले आप कितने नंबर में वीडियो देखी, नंबर लिख के भेज देना भाई कितने नंबर में देखी आप। ये 60 पॉइंट हुआ कंप्लीट है। और लाइक कर देना यार भाई, और शेयर भी कर देना। ये कंप्लीट हो चुकी है, ये टायर कंप्लीट हो चुका है। अब लगेगा जेसीबी में, ये हो गए कंप्लीट। देखो नहीं फुला टायर हो गया।